कथा करो, ब्राह्मण भोज कराओ, भंडारा कराओ, कन्या भोज कराओ, मंदिर बनवाओ, कुआं खुदवाओ, तालाब बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, या किसी के लिए कोई सत्कर्म करो। परशु महापुराण की कथा कहती है कि जो तुमने करा उसका अभिमान हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारा करा गया पुण्य सब क्षण भर में नष्ट हो जाता। कोई ये ना सोचे किसी और वाला महाराज कथा कर रहा है, या आप कथा सुन रहे हो, या सिसोदिया जी कथा करवा रहे हैं, ये तो शिव की कृपा कहीं सिसोदिया परिवार पर हुई, शिव की कृपा आप पर और हम पर हुई, इसलिए ये पावन कथा कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर अपन श्रवण कर रहे हैं। सौभाग्य वाली बात है, किस्मत वाली बात है। उसकी कृपा नहीं होती तो आप और हम इस जंगल में नहीं बैठते। अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपना कुल छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर आप यहां जंगल में आकर कोटेश्वर की पावन धरा पर बैठे हो, तो कुछ तो शिव जी की कृपा होगी, शंकर जी की उदारता होगी। बगीचे में जो फूल अच्छा होता है उसी को तोड़ा जाता है। जो फूल दिखने में भी अच्छा ना हो, जिस फूल में सुगंध भी ना हो, जो फूल किसी काम का नहीं है, जिस फूल की कोई महत्वता नहीं, जिस फूल की कोई आनंदता नहीं, उस फूल को कोई नहीं तोड़ता। जब आपको जो फूल अच्छा लगता है आप उसे तोड़कर अपने पास रखते हो, उसी तरह संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण भूमंडल, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक में भगवान शिव को जो अच्छा लगता है मेरा महादेव उसको पकड़कर अपना बना लेता है, वो पुष्प उसका। ये शिव की कृपा से, ये उनकी उदारता से, ये उनकी करुणा से प्राप्त है। कभी जीवन में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा अगर जल चढ़ाया है, शिव जी के मंदिर तक आप गए हैं, शिवालय तक आप गए हैं, शंकर भगवान की चौखट तक आप गए हैं, तो शिव ने आपको थामा है, पकड़ा है, उसने था। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मंदिर जाते हैं, परशु महापुराण की कथा कहती है आप कभी मंदिर नहीं जाते, देवाधिदेव महादेव आपको बुलाते हैं तब आप जाते हो, नहीं तो आप मंदिर भी नहीं जा सकते। आप ये जरूर कहते हो कि हम मंदिर जाते हैं, मैं रोज मंदिर जाती हूं, मैं रोज आराधना करती हूं, मैं रोज पूजन करती हूं, मैं रोज अर्चना करती हूं, मैं रोज भगवान की सेवा करती हूं, मैं रोज भगवान की आराधना करती हूं। जब तक वो ना चाहेगा तब तक आप नहीं कर सकते, उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप मंदिर भी नहीं जा सकते, उसकी करुणा नहीं होगी तब तक आप उसका गुणगान नहीं गा सकते। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपके पिता कौन है, भगवान नारायण के मुख से निकल जाता है कि मेरे पिता वो देव अधिदेव महादेव है, जिसको अपना गोत्र नहीं मालूम होता, जिसको अपना कुल नहीं मालूम होता,
जिसको अपना सरनेम नहीं मालूम होता, जिसको अपना गोत्र का स्मरण नहीं होता, तो ब्राह्मण देवता भी कह देते हैं काम करो, शंकर भगवान का नाम ले लो, शिव जी का नाम ले लो, भगवान उमापति का नाम ले लो, उसका गोत्र सबका गोत्र है, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में है, जो पृथ्वी पर है हमारा गोत्र भी हमारे शिव के समर्पित है, शंकर ही हमारे गोत्र में है और हम ही शंकर के गोत्र में है। नहीं मालूम, हमने उसका भजन कर लिया। अर्जुन से हमको एक बात सीखना चाहिए, अर्जुन का एक निर्णय सबसे प्रबल निर्णय था और अर्जुन ने सबसे बड़ा अगर कोई निर्णय लिया था तो वो एक निर्णय लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण मेरे हो जाए, ये अर्जुन का निर्णय था। एक प्रबल निर्णय अर्जुन ने ले लिया कि कृष्ण मेरे होना चाहिए, कृष्ण मेरे हो जाएं और कृष्ण मेरे हो रहे, ये अर्जुन ने निर्णय लिया कि मुझे कुछ चाहिए तो कृष्ण चाहिए। बस अर्जुन ने एक निर्णय लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए और भगवान कृष्ण अर्जुन के हो गए थे। फिर अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, बाकी के निर्णय भगवान कृष्ण ने लिए, अर्जुन चुप बैठे। फिर अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, जितने निर्णय लिए वो भगवान कृष्ण ने लिए। अर्जुन ने एक निर्णय ले लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए और एक निर्णय प्रबल निर्णय आपके पास में अगर आ जाता है तो बाकी के निर्णय आपको नहीं लेना पड़ते, बाकी के निर्णय देव अधिदेव महादेव लेते हैं। आप कृष्ण को चुन लिए, आपने राम को चुन लिया, आपने शिव को चुन लिया, आपने रामायण को चुन लिया, आपने श्रीमद् भागवत को चुन लिया, आपने शिव महापुराण को चुन लिया, आपने एक निर्णय ले लिया कि शिव मेरे हैं, मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करती हूँ, शंकर भगवान को एक धतूरा समर्पित करती हूँ, शिव जी को मैं अपना बना रही हूँ। एक निर्णय आपने, एक निर्णय प्रबल निर्णय ले लिया कि मैंने शिव को अपना बना लिया, मुझे शिव चाहिए। बस बाकी के जितने निर्णय, आवाज पकड़ रहा, बाकी के जितने निर्णय हैं वो सारे निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, देवाधिदेव महादेव लेगा। अब उसके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं नागर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आपने चुन लिया देवाधिदेव महादेव को, आपने चुन लिया भगवान शिव को, फिर आपने निर्णय ले लिया कि शिव के मंदिर जाना है, शंकर की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है, फिर शंकर निर्णय करेंगे कि आपका करना क्या है।
फिर निर्णय वो करेगा, फिर निर्णय वो लेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपके पिता कौन है? कहा, जिसने एक पानी के बुलबुले में एक बिंदु के रूप में आकर मुझे दर्शन दिया था, मेरा पिता वही है। एक बिंदु के रूप में जिसने दर्शन दिया, बिंदु के रूप में। और कोई दूसरा मेरा पिता नहीं। उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, उसी को शिव का शिवलिंग कहते हैं, उसी बिंदु को, उसी बिंदु। अब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। मुझे आपके पिता का दर्शन करना। भगवान विष्णु ने कहा, चलो, सर्वस्व वही विराजमान, कण कण में वही बैठा हुआ, चप्पे चप्पे में वही बैठा हुआ, हर जगह पर वही बैठा हुआ है, करो दर्शन। चलो, मैं करा देता हूं। एक विशाल पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जब विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया, और अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई, और लिंग की आकृति प्रकट होकर भगवान देव अधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने कह दिया कि आज मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने, मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु ने। ब्रह्मा, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर आप प्रकट हुए हो, और यह संपूर्ण संसार की रचना आपने करी है। तब ब्रह्मदेव के मन में एक भाव जागृत हो गया कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है इसका चरण कहाँ है, जो शिवलिंग प्रकट हुआ है इसके मुख कहाँ है, शिवलिंग प्रकट हुआ इसका सिर कहाँ है, तो उसको ढूंढने का प्रयास करा। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज नहीं क्लियर आ रही है, और आवाज बेस जा, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहे, आप शीश का दर्शन करने जाएंगे कि चरण का दर्शन करने जाएंगे? भगवान देवाधिदेव महादेव ने, भगवान शिव जी ने, भगवान विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी के सामने कह दिया कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं, एक पिता का मस्तक देखने के लिए जाऊं, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है, ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है। मैं भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के चरण को ढूंढने के लिए जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं शीश देखने जाऊंगा। गुरु
माता पिता शिक्षक संत सतगुरु इनके शीश को नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है माता पिता गुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनके चरण को देखा जाता। क्यों? क्योंकि इनके चरणों को जिसने पकड़ लिया, इनके चरणों को जिसने साध लिया, इनके चरणों को जिसने पकड़ा, बस समझ लो कि भव सागर से पार उतरने का साधन मिल गया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात को जो मान लेता है, बड़ों के कहने को जो मान लेता है, बड़ों की बात को जो मान लेता है, उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो एक दिन बड़ा बन ही जाता है जो बड़े की बात माने। कई बहुओं की आदत रहती है, सास की बात उन्हें बुरी लगती है, ससुर की बात उन्हें बुरी लगती है, घर के बुजुर्ग की बात उन्हें बुरी लगती है, पड़ोसन ने कुछ कहा अच्छी लगेगी, मौसी सास ने कहा अच्छी लगेगी, मामा ससुर ने कहा अच्छी लगेगी, फूफा सास ससुर ने कहा अच्छी लगेगी, दूसरा कह रहा है ना अच्छी लगेगी, पर वो ही बात अगर सास कहे तो बुरी लगेगी। और बहू सोचती है कि मेरा नाम बहुत चलना चाहिए, मैं बिल्कुल सास जैसी बन जाऊं, मैं बिल्कुल सास की तरह हो जाऊं, चाबी का गुच्छा मेरे कमर में आ जाए और मेरी बात सब माने। तो मेरा निवेदन है, आप जिस दिन घर के बड़ों की बात मानना चालू कर दोगे, उस दिन आप अपने आप बड़े बनते चले जाओगे, आप छोटे नहीं रहोगे। आप बड़े बनते चले जाओगे, बड़े की ओर उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। हम दूसरे का कहना मानते हैं, हम दूसरे की बात मानते हैं, हम दूसरे के कहने पर चलते हैं, हम दूसरे ने कह दिया तो वो हमने मान लिया, दूसरे ने बोल दिया तो हमने मान लिया, पर अपनों का नहीं मानते। बड़ी विडंबना है संसार की, बहुत बड़ी विडंबना। वृद्धाश्रम में जाते हैं, वृद्ध लोगों को रोटी खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं केला खिला देते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं बुजुर्गों के पास बैठ जाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं बुढ़े लोगों के पास बुजुर्गों के पास बैठकर उनसे बातें करते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं खूब अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं फल देते हुए फोटो खिंचवाते हैं, वृद्धाश्रम में जाते हैं उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवाते हैं। शिव पुराण थोड़ी सी उल्टी है इस मामले में। मेरे देवाधिदेव महादेव का चरित्र थोड़ा अलग है। मेरा देवाधिदेव महादेव कहते हैं वृद्धाश्रम में जाकर बूढ़े को बुजुर्गों को भोजन करा रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर केले खिला रहे हो, वृद्धाश्रम में जाकर उनके पलंग पर बैठकर उनसे बात करते हुए फोटो खिंचवा रहे हो, और अपने व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस पर अपने फेसबुक पर अपने यूट्यूब पर अपने गूगल पर अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे हो। जरूरी यह है कि वृद्धाश्रम के बुजुर्ग के पास जाने से पहले घर में जो बुजुर्ग है उसके पास 15 मिनट बैठना सीख जाओ तो आपका जिंदगी सवर जाए। घर में बुजुर्ग बैठे हैं, घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो इंतजार कर रहे हैं कि 1-5 मिनट मेरा बेटा मेरे पास बैठे, मेरे से मेरे दिल की बात करे। ए नाना, ए नंगा, ए छोरा इधर आ, बेटा इधर आ, बाबू इधर आ, वो बिठाए ये दौड़ के चले जा, मम्मी टाइम नहीं है, पिताजी समय नहीं है, भागा 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 भागा, बस यहाँ जाए वहां जाए, दोस्त के जाए, काम पर जाए, धंधे पर जाए, बिजनेस पर जाए, फैक्ट्री पर जाए, यहाँ जा वहां जा, पूरी जिंदगी बस की बल दौड़ रहा है, दौड़।
प्रत्येक घर के नवयुवक बेटा बेटी, प्रत्येक घर के बहु बेटा, प्रत्येक घर का व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों का अगर आदर करना चालू कर दे तो वृद्धाश्रम में बुजुर्ग रहने के लिए नहीं जाए, ये निश्चित है। दूर के ढोल, फिर लोग कहते हैं सीओर वाला महाराज मालवा में फिर ताने देना चालू कर देता है। अब तुम सोचो, जरा विचार करिएगा, जरा अपने भीतर उतारिएगा। सफेद कपड़े में दाग लग जाए तो परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, समाज वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है, कुल वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है। पर संत का चोला, भगवान को मानने वाला, पूजन करने वाला, गेरुआ पहनने वाला और संत का चोला पहनने वाला, और उस संत के चोले पर अगर दाग लग जाए तो देश को शर्मिंदा होना पड़ता है। समझना है, कलकत्ता में कहा था ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है, बोलो बोलो जम के बोलो, ढंग की जिंदगी जीना चालू कर दो तुम्हें ढोंग की जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रसन्नता का जीवन जो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हम भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, चार चार घंटा बैठकर हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, इसके बाद भी भगवान हम पर प्रसन्न क्यों नहीं होता? कारण क्या है? क्योंकि हमने शरीर से परमात्मा को बुलाना चाहा, परमात्मा को पाना चाहा, पर मन से नहीं बुला पाए। मीरा ने मन से परमात्मा को बुलाया था, नरसिंह मेहता जी ने मन से भगवान को बुलाया था। नरसिंह जी तो सांवरिया सेठ का भजन करते थे, पर उनके भाई ने जब धक्का देकर निकाला, उनकी भाभी ने जब धक्का देकर निकाला, तो नरसिंह जी सांवरिया जी के मंदिर जाना था, पहुंच गए थे शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। शंकर के शिवलिंग को रात भर आंखों से आंसू बहा बहा कर निला रहे थे, रो रहे थे, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जैसे एक मुर्दे को शमशान में छोड़कर आते हैं, घर पर आकर सब पूड़ी और सब्जी खाते हैं, चाय पीने वाले चाय पीते हैं, ऐसा कोई नहीं कि घर में मुर्दे को छोड़कर आने के बाद कोई घर का ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने पूड़ी सब्जी नहीं खाई, चाय नहीं पी, पानी नहीं पिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आग लगा के आएंगे और अंदर आवाज दे देंगे, चाय देख लो चाय। आग लगा के आएंगे और पास वाले पड़ोसी मोहल्ले वाले रिश्तेदार पूड़ी सब्जी लाकर दे देंगे। लोग साहब अब आंख में से आंसू बहाता जाए और पूड़ी सब्जी निपटाता जाए, कौन देखे तुमको? और फिर छोरा से कह दिया, नाना इनका थोड़ा नमक ला दे, अभी डोकरा के निपटा के आया, अभी शमशान छोड़ के आया, और अब क्या कह रहा है, सब्जी में नमक, थोड़ा नमक ला दे। वो छोरा नमक ला के दे दिया, इन्हें बुड़का के और खत्म जाए, कौन याद करे? इन्हें आपके भाव जागृत होना चाहिए, हम क्यों किस लिए? माता के चरण, पिता के चरण, गुरु के चरण, संत के चरण, सतगुरु के चरण, शीश पर दृष्टि ना हो, चरण पर दृष्टि हो। राम जी की कथा कहती है, रावण जब अंत समय में जमीन पर पड़ा था, तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, जाओ
विद्वान ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण गुस्से में राम जी के पास पहुंचा और राम जी से जाकर कहा कि रावण को बहुत अभिमान है, उसने मुझे देखा और मुंह फेर लिया, उसने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। इतने में राम जी ने कहा, लक्ष्मण रावण को अभिमान नहीं है, अभिमान तो तेरे भीतर भरा हुआ है। गुरु के पास जब ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तो उसके सिर के पास नहीं बैठते, उसके चरणों में जाकर बैठते हैं। जा उसके चरण में जाकर बैठो, उसके चरणों में जाकर, उसके चरणों में जाकर विराजमान होइए, उसके चरणों में जाकर बैठ जाइए। जमीन पर दरार पड़ती है तो पानी बारिश का गिरता है तो दरार को भर देता है, कपड़ा फटता है तो सुई से सिला जा सकता है, शरीर में घाव लग गया तो मल्लम से भरा जा सकता है, पर वाणी का घाव इतना विचित्र होता है वो जिंदगी भर नहीं भरा पाता है। जिंदगी भर उस वाणी के घाव का स्मरण रखें। हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। कोई रोए, किसी का मन दुखे, किसी का चित्तवृत्ति दुखे, क्यों? दो पुष्प ऐसे हैं जो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते, एक केतकी एक केवड़ा। और चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती है, उसके सिवाय नहीं चढ़ती। क्या कारण था? केतकी की कथा तो यहां पर शिव महापुराण में आ जाती है कि केतकी ने एक गलती कर दी थी। ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए, शिवलिंग का छोर नहीं मिला, शीश नहीं मिला। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर आ गए, गाय चलो पृथ्वी पर चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को छोर मिल गया। गौ माता ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा तुझे एक रोटी दिलाऊंगा, प्रत्येक घर से तुझे खाने को रोटी मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया भगवान विष्णु के सामने। केवल एक रोटी के लिए गाय झूठ नहीं बोल रही, एक रोटी के लिए संसार का मनुष्य भी झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता, दिन भर। एक बार श्री हनुमान जी महाराज जब अयोध्या में राम जी का राज्य स्थापित हो गया, अयोध्या के राजा श्री राम बन गए, विराजमान हो गए, हनुमान जी घूमते रहते थे तो कपड़े की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोक लिया, कपड़े वालों ने, किराने की दुकान वालों ने हनुमान जी को रोका, रोक कर पूछा क्यों रे हनुमान, तूने लंका कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने कहा उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। रोज कपड़े वाले किराने वाले हनुमान जी से रोज पूछते तूने लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, लंका कैसे जलाई, हनुमान तूने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा उनने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जला दी। हनुमान ने कहा बस ऐसा? हाँ। किराने वाले कपड़े वाले बोले एक बार जला के बता। हनुमान जी ने कहा बांधो कपड़ा, उन्होंने पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, हनुमान जी उन्हीं की दुकान में घुस गए, उन्हीं की दुकान पर, सारी किराने की दुकान, कपड़े की दुकान जितनी थी सब जल गई। सब दौड़कर राम जी के पास गए, राम जी के पास जाकर आवाज लगाई कि राम जी राजा बनकर बैठे हैं, अयोध्या के राजा राम के सामने हमारी दुकान जल रही है, हमारी दुकान में आग लग गई है, ये कैसे हो गया? हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान तुम इतने चतुर होने के बाद, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, तुम इतने चतुर होने के बाद तुमने इनकी दुकानों में आग क्यों लगा दी? हनुमान जी बोले ये रोज कहते थे लंका कैसे जलाई कैसे जलाई कैसे जलाई, मैंने कहा कपड़ा बांधा था, तेल डाला था, आग लगाई, मैंने जलाई। इनने कहा जला के बता, हमने कहा लगा।
इन्होंने आग, तो तूने इनकी दुकान क्यों जलाई? तो हनुमान जी बोले, इनकी दुकान लंका से कम है क्या? एक रुपए की चीज दस दस रुपए में बेचे तो आग ऐसे ही लगाऊंगा, ये कम है? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कह रही है। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ कह दिया, एक रोटी के। गाय कहती है कि मैं चलकर बोल दूंगी, पर मेरी वाणी पर विश्वास कौन करेगा? केतकी का फूल लगा था, ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया, केतकी के फूल से कहा तू नीचे चलकर बोल देना, ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुझे सुगंधित बना के रखूंगा, तू बहुत सुगंध में रहेगा, बहुत सुगंधित रहेगा। ठीक है, भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको भगवान शंकर के चरण मिले हैं क्या? क्या भगवान शिव के चरण मिले? नहीं, भगवान नारायण ने एक बार सत्य कहा तो शंकर भगवान के शिवलिंग में से आवाज आई, भगवान विष्णु आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा, क्योंकि तुम सत्य बोले, सत्य कहा है तुम। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने पूछा तुम्हें सिर मिला? हाँ, आकाशवाणी हुई ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ना मानो तो गौ माता से पूछो, गाय से पूछा, गौ माता क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिला? गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया तो शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सारे दुनिया के लोग सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से करेंगे, देवताओं की परिक्रमा आगे से करेंगे, पर गौ माता तूने झूठ बोला है इसलिए तेरी परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होगी और पूंछ पे समापन होगी। दुनिया के लोग कन्यादान आगे से करेंगे, गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, सारे दान आगे से करेंगे, पर गौ माता का दान दुनिया के लोग पीछे से करेंगे, इसलिए गौ माता का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। तो झूठ बोली है गौ माता ने, क्षमा मांगी, गलती हो गई, गलती। शिव क्षमा भी करते हैं। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने कहा इससे पूछो, केतकी के फूल को भगवान विष्णु ने लिया और पूछा, बोल केतकी ब्रह्मा जी को सिर मिल गया? केतकी के पुष्प ने कहा हां ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं, रे केतकी के पुष्प, तूने देवाधिदेव महादेव के सामने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी का फूल मुझ पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा, इसलिए केतकी का फूल शिव पर नहीं चढ़ता। तो झूठ बोला। शिव महापुराण की कथा कहती है सारी दुनिया में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, सारे संसार में जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के ओटले पर, शिव जी की चौखट पर, शिव महापुराण में शंकर के द्वार पर, शिव की चौखट पर, शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान की देहली पर, शंकर भगवान के ओटले पर, शंकर भगवान की चौखट पर अगर मुख से एक झूठ निकल जाता है तो जिंदगी में बुढ़ापा पलंग पर सड़ सड़ के निकलता है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। एक झूठ, एक झूठ। नरक पटक देता। आपका भजन, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा,
आपको वहां से निकालकर परमात्मा तक ले जा सकते। एक पत्र आया है देखिए, खुशहाल सिंह सिसोदिया, ठिकाना गावड़ी सिसोदिया, ठिक दाना गावड़ी सिसोदिया, तहसील बरनागर, जिला उज्जैन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी 6 साल से पथरी की बीमारी थी, गर्वेटर में पथरी का बड़ा प्रभाव था, शरीर बिगड़ता चले गया, दर्द होता था, डॉक्टरों को दिखाते थे तो कहते थे कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 30 अप्रैल 2022 से मैंने शंकर भगवान की कथा आपके मुख से सुनी और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 साल से जो पथरी की बीमारी थी वो चलती जा रही थी और डॉक्टर ने कह दिया था पथरी भी बड़ी है। गुरुदेव शिव जी को जल चढ़ाता, आपने कहा एक बेलपत्री रोज खाओ, शरीर में अगर रोग है तो बेलपत्री का सेवन करो। शंकर जी को जल चढ़ाता, आचमन करता, बेलपत्री खाता। गुरुदेव 30/12/2022 मैंने 30 अप्रैल से कथा सुनना चालू करी और दिसंबर के महीने में मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाकर, जैसे ही पानी पीकर, जल पीकर और बेलपत्र खाकर आया तो मुझे बहुत तेज दर्द उत्पन्न होने लगा। दरवाजे पर ही इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव घर आते ही मेरी बाथरूम बंद हो गई और मुझे बाथरूम भी नहीं आई। पूरा दिन निकल गया, समय निकलता गया, दर्द बढ़ता गया। गुरुदेव शिव जी की रखी हुई बेलपत्र जो खा नहीं पाया था उसको खाया और बाबा की कृपा से जैसे ही मैं वॉशरूम के लिए गया मेरी पूरी पथरी निकलकर बाहर आ गई, मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक डब्बी में उस पथरी को भी भेजा है और मेरी पूरी जो जांच डॉक्टर ने करी है उसको भी मैंने पूरी जांच आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से या आस्था चैनल के माध्यम से पूरी जांच उन भी लगाई है और जो पथरी मेरी अपने आप निकली वो पथरी की डब्बी भी मैंने लगाई है। अब ठीक है बाबा, हर हर महादेव। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। शिव तत्व है औघड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है देखिए,